हेलो एवरीवन, आज है 14 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारती एयरटेल के बारे में। देखिए, दो बड़ी कंपनी टेलीकॉम की, दो बड़ी कंपनियों के नतीजे आए आज, एयरटेल के और वोडाफोन के। वोडाफोन के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है और मैंने आपको बता भी दिया है कि उसमें उनके वोडाफोन ने इस क्वार्टर में, सेप्टेम्बर क्वार्टर में, 50,000 करोड़ का नुकसान दर्ज कराया है, रिपोर्ट कराया है। और भारती एयरटेल के भी नतीजे आए हैं और वो भी उतने ही बुरे और खराब हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एयरटेल का जो शेयर है, भारती एयरटेल का, वो तकरीबन 362 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली है और मार्केट बंद होने के बाद इनके नतीजे आए थे। पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हालांकि 2.42% की गिरावट देखने को मिली है, एक महीने में 7.5 से 8% की गिरावट है। इस बीच आप देखिए, 360 रुपए का लो है और 390 रुपए तक का हाई भी इन्होंने बनाया था। एक साल में 31% का ग्रोथ जरूर है। 260 रुपए का लो है और 390 रुपए के करीब का हाई है। 3 साल की बात करेंगे तो भारती एयरटेल में पिछले 3 साल में हालांकि 31% के करीब का ग्रोथ है, 500 रुपए के करीब का हाई बना था, बाद में गिरावट आई और ये दौर तब था जब जियो मार्केट में डोमिनेट कर रहा था। गिरावट आई, फिर अब धीरे धीरे बाउंस बैक करने की उन्होंने कोशिश की और बढ़िया बाउंस बैक भी किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब गिरावट आ सकती है, अब एक बड़ी गिरावट यहां पर आ सकती है, क्योंकि नतीजे आए हैं और अच्छे नहीं है। लार्ज कैप स्टॉक है, 1,85,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। और इनके जो नतीजे आए उसके बारे में बात करें, उससे पहले अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 41.24% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 22.33% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 8.84% की होल्डिंग है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी होल्डिंग यहां पर बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.25% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 1.77% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 36 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है यहां पर। आप देखिए, 682 एफआईएस ने यहां पर पैसा लगाया है। प्रमोटर भी था ये होल्डिंग भारती टेलीकॉम लिमिटेड है, जिनके पास 41.24% की होल्डिंग है। डिविडेंड पे कर रहा है, डिविडेंड अच्छा खासा पे कर रहा है, इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड भी ये पे कर रहा है। पिछले साल नवंबर में इन्होंने पे किया था, इस बार भी इनके डिविडेंड्स आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल में, अगर मैं मनी कंट्रोल में बात करूं इसकी, तो मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग अब देखिए नतीजे आने के बाद जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। 17% बाइंग रेटिंग है, 82% सेलिंग रिकमेंडेशन यहां पर देखने को मिल रही है। और तो और, जैसे कि न्यूज आ रही है कि देखिए, वोडाफोन ने तो ऑलरेडी 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान रिपोर्ट किया है और लाइसेंस फी भी अभी तक इनको चुकानी है। और सेम चीज भारती एयरटेल में भी देखने को मिल रही है। भारती एयरटेल ने जो बुक किया है वो लॉस है 23,000 करोड़ ऑन एक्सेप्शनल लॉस फॉर लाइसेंस फीस एंड एसयू सी चार्जेस। तो अगर हम बात करें इनके लॉसेस की, तो यहाँ पर टोटल जो लॉस है वो निकल कर आ रहा है 24,500 करोड़। 24,500 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने लॉस ही बुक किया था, 1,300 करोड़ का। हालांकि मार्च में भी 36 करोड़ का लॉस बुक किया था, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटीज में ये लॉस बढ़ रहा है। पहले 2 डिजिट में था, फिर 4 डिजिट में रहा, अब 5 डिजिट का लॉस इन्होंने बुक किया है। तो लॉस, एक बहुत बड़ा लॉस इन्होंने बुक किया है, बहुत बड़ा लॉस है ये। और वाकई इसकी वजह से शेयर्स में एक बड़ी गिरावट की हम उम्मीद कर सकते हैं। आप देखिए, कर्जा इनके ऊपर काफी ज्यादा है, 83,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। नतीजे इनके आज ही आए हैं, 14 नवंबर को इनके भी नतीजे आए हैं और काफी सारे, हालांकि म्यूचुअल फंड ने अपने पैसे लगाए करोड़ों में, म्यूचुअल फंड ने अपने यहाँ पर शेयर्स खरीदे हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ा भरोसा यहाँ पर जरूर बताया है। लेकिन मैं यही कहूंगा इस नतीजे के बाद कि देखिए, जो सिचुएशन निकल कर आ रही है एयरटेल और वोडाफोन के लिए, वो अच्छी नहीं है।
खास करके रिलायंस जियो की तरफ से काफी बड़ी कंपटीशन इनको मिल रही है और इनको काफी बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। और मैं यही कहूंगा कि हाल फिलहाल में एयरटेल में खरीदारी करने की मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि नतीजे आपके सामने हैं कि कैसे नतीजे आए हैं। तो बेटर यही होगा कि थोड़ा बहुत दूर रहा जाए इसके, क्योंकि देखिए 24,000 करोड़ का नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं होता। ये वो नुकसान है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो अगर आने वाले दिनों में भी अगर एयरटेल ने कोई अच्छा मूव नहीं लिया तो शेयर्स में और फर्दर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से एयरटेल में हाल फिलहाल निवेश ना ही करें तो बेहतर होगा। आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है, भारतीय एयरटेल को लेकर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।